अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इतवार के अहम खबरों पर एक नज़र। चीता, तेंदुआ या जंगली बिल्ली, अब तक किसी भी बात की मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई है, लिहाजा आज भी तीसरे दिन आवाम के दिलों में डर बरकरार रहा। फॉरेस्ट अफसरान ने और दो चार दिन घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है और साथ में डरने की भी जरूरत नहीं ऐसा भी कहा है। इस तरह का दोगला मशवरा इंतजाम की जानिब से दिया गया है, मतलब डरे भी ना और घर से भी बाहर ना निकले। खैर, तेंदुआ या चीता जैसा जानवर जो भी जानवर है अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। कुछ मीडिया वालों ने अपनी तरफ से तो यकीनी तौर पर तेंदुआ या चीता जैसा जानवर होने की खबरों को शाया कर TRP बटोरने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फॉरेस्ट अफसरान ने अब भी शक होने की बात कही है। जाधव नगर स्विमिंग पूल, हनुमान नगर रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स तकरीबन जगहों पर कैमरे बिठाए। सरकारी तौर पर किसी भी तरीके की तस्वीर को अब तक शाया नहीं किया गया। आज वैसे भी इतवार था तो अक्सर यहाँ के शहरियों को घरों में ही बंद देखा गया। फॉरेस्ट अफसरान चौकन्ना है और कोशिश जारी है कि किसी तरह तेंदुओं को पकड़ लिया जाए। फॉरेस्ट अफसरान को कुछ पांव के निशान जरूर बरामद हुए हैं। तेंदुआ गोल्फ कोर्स में ही होने की बात की जा रही है। नैसर्गिक काकती भीमगढ़ जंगल से माहिरीन को बुलाया गया और सुबह शाम तलाश जारी है। ये मुहिम और कुछ दिन चलेगी ऐसा भी बताया गया। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन जाधव नगर हनुमान नगर के लोगों में डर और शहर के लोगों में चर्चा का मौजू जरूर बना हुआ है। हादसों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल और आज फिर हादसे पेश आए। कल मोदगा के नजदीक बेलगाम से सुलेबा की तरफ मोटरसाइकिल से दो दोस्त जा रहे थे। सामने से आने वाली टिप्पर की ठोकर में एक की मौत जगह पर ही वाकई हो गई तो दूसरी की मौत अस्पताल में जेर इलाज रखा गया था तब हो गई। एक दिन के बाद जख्मी दोस्त की भी मौत हो गई। दोनों के नाम विट्ठल डौली और सोमनाथ खवासी है। मुस्तकिल हादसों का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 7 लोगों की मौत पिछले 2 हफ्ते में होने की इत्तला हासिल हो रही है। आज एक और बड़ा हादसा होते होते रहेगा। हीरे बागेवड़ी घाट में KSRTC की बस अचानक बेकाबू होकर हाईवे पर ही पलट गई। इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ। बस में कुल 35 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 5 जख्मी हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बेलगाम से हीरे की रूट जाने वाली बस बारिश की वजह से बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। सभी सवार खुशकिस्मत थे जो सही सलामत रहे, पर 5 जिन्हें मामूली चोट आई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बारिश का मौसम है और अक्सर हादसा पेश भी आते रहते हैं, पर कुछ बस ड्राइवर भी गैर जिम्मेदार कैसे होते हैं इसकी भी मिसाल देखने को मिली है। कैसे ये बस ड्राइवर पैसेंजर की जान से खेलते हैं आप देख सकते हैं। जोरदार बारिश होने से कई पुलों पर पानी तेज रफ्तार से बहता देखा जा रहा है। बीजापुर के देवरपरगी तालुका में ये वारदात देखी जा सकती है। इस बस में कुल 10 पैसेंजर सवार हैं और पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन बस ड्राइवर ने पैसेंजर्स की जान के साथ खतरनाक खेल खेलते हुए बस को ब्रिज पर डाल दिया। बस तेज बहाव से फिसल भी गई, लेकिन इसे किसी तरह से पुल के पार कराया गया। बस में सवार सवारियों ने इत्मीनान की सांस तो जरूर ली, पर हादसा पेश आता तो कौन जिम्मेदार। लिहाजा गैर जिम्मेदार ड्राइवरों को ना सिर्फ ताकीद दी जाए बल्कि इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही। आज JDS की जानिब से पुलिस इंतजामिया हुकूमत के दबाव में बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज करने का इल्जाम लगाते हुए पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत फरमाई गई। आज बैलोंगल में JDS कायद शंकर माडलगी की सदारत में पुलिस इंतजामिया की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया गया और कहा कि पुलिस को वर्दी इंसाफ करने के लिए दिलाई जाती है, सभी मुजरिमों के साथ एक जैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए, पर दिखाई जा रहा है कि इख्तदार पसीर हुकूमत और सियासी लीडरों के दबाव में आकर बेगुनाहों पर खून चोरी डकैती जैसे जुर्म में JDS कारकुनान पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसी भी लॉबी के दबाव में मुकदमे दर्ज न करते हुए अखलाकियात को पेश करे ऐसा मशवरा भी दिया गया। बैलोंगल तालुका में पुलिस किसी और के दबाव में काम कर रही है ऐसा इल्जाम लगाया। इस वक्त JDS के कारकुनान कसीर तादाद में शरीक रहे। आज सेवा फाउंडेशन की जानिब से सड़क किनारे बेसहारा को सहारा देने की कोशिश की है। लक्ष्मण भूतान नामी शख्स को सड़क किनारे से उठाकर सेवा फाउंडेशन के दफ्तर लाया गया, जहां पर इसे नहला धुला कर साफ किया गया। इसके बाल कटवाए गए, फिर इसकी तहकीक कर इसे घर भेजने का भी इंतजाम किया गया। इत्तला के मुताबिक लक्ष्मण भूतान लमानी रामगढ़ धनबाद झारखंड का है, जिसने 3 महीने पहले घर छोड़ा था, लिहाजा अब इसे रेल में बिठाकर भेज दिया जाएगा, ऐसा सेवा फाउंडेशन की जानिब से बताया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अफेयर्स की जानिब से बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी का एजाज हासिल होने पर कईयों की आंखें बड़ी हो चुकी हैं और उसमें भी अव्वल नंबर हासिल करने की बात कही जा रही है। आखिर किस बुनियाद पर स्मार्ट सिटी का एजाज हासिल हुआ है
और कहां है स्मार्ट सिटी, ऐसे सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। वैसे पिछले कई दिनों से सड़क हादसों में मरने वाले की भी फहरिस्त तवील होती जा रही है। कई जगहों पर गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे जैसे हालात देखे जा रहे हैं। पानी का पता नहीं, कई मोहल्लों में हफ्ते में एक बार पानी मयसर होता है। सड़क किनारे बिजली के लाइट्स बंद रहते हैं। आखिर किस बुनियाद पर स्मार्ट सिटी का एजाज दिया गया? आखिर इस अवार्ड के पीछे भी कोई कहानी है क्या? ऐसा सवाल कई सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों की जानिब से पूछा जा रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल पूछा गया कि आखिर किस बुनियाद पर स्मार्ट सिटी कहा जाए, और नंबर भी अता करना कुछ समझ से परे है, ऐसा इजहार अक्सर लोगों की जानिब से किया जा रहा है। अक्सर स्मार्ट सिटी के कामों में रिश्वतखोरी के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। बारहा स्मार्ट सिटी अफसरान की बढ़ती मिल्कियत पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इनकी तहकीक की मांग की जाती रही है। सियासी लीडरों के चहेते ठेकेदारों को काम दिया जाता है। खोदना, नई पाइपलाइन डालना, फिर कुछ अरसे के बाद खोदना जैसी वारदातें अक्सर शहर की सड़कों में देखा जाता है। इस खोद काम के पीछे की कहानी का भी पर्दाफाश जरूरी है, ऐसी मांग की जा रही है। सड़कों के मियार पर भी सवाल उठाए जाते रहे, और इन तमाम के बावजूद स्मार्ट सिटी में बेलगाम शहर अव्वल नंबर। इस मुअम्मे को समझने से बेलगाम के अवाम तो कासिर है, ऐसी चर्चा कही जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।